नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दर्शन गट्टानी जी से, जिन्होंने कोरोना से संक्रमित होने पर भी अपना हौसला नहीं हारा और इस महामारी पर जीत हासिल की। दर्शन गट्टानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के ट्रेनी ऑफिसर हैं। आइए जानते हैं इनका अनुभव। नमस्कार दर्शन जी, कैसे हैं? नमस्कार सुनील जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे एकदम जी, सबसे स्वस्थ पहले हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने कोरोना से जंग जीती है अपनी और इस बीमारी से लड़के आप स्वस्थ हुए हैं। धन्यवाद सुनील जी। ये आप सभी की शुभकामनाओं और देशवासियों का प्यार और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की वजह से हो पाया है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है आपसे कि जब आपको पता लगा कि आपको कोरोना है और सस्पेक्ट थे आप सबसे पहले, तो कैसा समय था, उसका रिएक्शन आप क्या था उस समय आपका? जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लोग भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अपने स्पेन के दौरे पे गए थे, और जब वहां से लौटे तो मेरा एक साथी सदस्य है जिसकी तबीयत, जिसको थोड़ा सा बुखार जैसा आ गया था। तो जैसे ही हम आए, हम अकेडमी में क्वारंटाइन में चले गए अपने अपने कमरों में। लेकिन बाद में जब उसका टेस्टिंग हुआ और उसका पॉजिटिव आया, तो मुझे पता पड़ गया था हम सभी का टेस्टिंग होना था उसके बाद। लेकिन उसके पहले ही मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। दर्शन जी, जब आप इलाज का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस समय का टाइम पीरियड कैसा था, कैसे स्वास्थ्य विभाग ने आपको सहयोग किया और वो पीरियड कैसे रहा आपका? तो उस पीरियड में, जैसे कि मैं दून अस्पताल में भर्ती के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था करीब 11 दिन तक, और यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों ने हमारा काफी अच्छे से ख्याल रखा। डेली बेसिस पे हमारा 2 बार ब्लड प्रेशर टेस्ट और बीपी टेम्परेचर देखा जाता था, और अस्पताल में दोनों टाइम डॉक्टर आते थे, और 24 आवर नर्स वगैरह रहती थी हमारी देखभाल के लिए, वो लोग हमेशा आते थे। और इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे जो स्वच्छ कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी रेगुलरली आके वार्ड की क्लीनिंग वगैरह करते थे ताकि किसी भी तरह से संक्रमण कहीं भी और फैले ना। अच्छा, इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा भी ये सिर्फ सबसे पहला इंसिडेंट था कि मैं अस्पताल में इतने लंबे दौर तक के लिए, 11 दिनों के लिए पहली बार मैं अस्पताल रहा। अमूमन हम किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो जाती है तो मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं, या कभी कोई छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं कि कोई चोट लग गई या टांका आ गया। लेकिन एक पहली बार मैं अस्पताल में रहा 11 दिन, वो भी बिना किसी बीमारी के। जैसे मुझे किसी भी तरीके के कोई लक्षण नहीं थे बीमारी के। जब मैं आया था स्पेन से, तो कुछ 3-4 दिनों के लिए शायद मेरा गला खराब रहा था, वो भी हल्का फुल्का, जो अमूमन हमारे तापमान या पानी के परिवर्तन की वजह से कहीं भी होता है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त का पॉजिटिव आया कोविड-19, तो एक्स्ट्रा सावधानियां रखनी शुरू कर दी थी, और मैं वही जो नॉर्मल चीजें होती है, गर्म पानी से गरारे वगैरह, पहले अस्पताल का समय एक एक्चुअली टफ समय, क्योंकि जैसे वो एक आइसोलेशन वार्ड में आप पूरे टाइम बंद रहते हैं 10 से 11 दिन, तो वहां पे आपको काफी मेंटल विल पावर की जरूरत होती है कि कई बार नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे 7वें 8वें दिन तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कितने दिन हो गए मैंने सूरज को नहीं देखा। जैसे देहरादून में बारिश हुई कुछ दिन, तो सिर्फ आवाज सुन के मुझे पता पड़ रहा था कि बारिश हो रही है बाहर। तो अब अच्छा, इस पूरे टाइम पीरियड में 11 दिन, मेरा सबसे ज्यादा सहयोग हमारी भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थी जो दूसरे हैं, मेरे साथी संकाय सदस्य जो थे, अकेडमी से हमारा खाना आता था, हमारे साथी संकाय सदस्य रेगुलर बेसिस पे हम पे फीडबैक लेते थे कि हमारी तबीयत वगैरह कैसी है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो मुझसे पूछते रहते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ मेरे 2 बैचमेट्स और भी गई थे, हम 3 लोग थे और हम ही 3 लोग वहां पे भर्ती थे, तो इतना ज्यादा बोरियत या अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तो जैसे अब आप ठीक होके आ चुके हैं दर्शन जी, तो इसके बाद भी आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और डॉक्टर ने क्या क्या प्रिकॉशंस बताए हैं आपको? तो एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ कि अस्पताल में हमारा मेरा 2 टेस्ट कंटिन्यूसली हुआ, और दोनों नेगेटिव आने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इसके बाद डॉक्टर ने मुझे बस ये बोला है कि अब फिर से मुझे 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कमरे के अंदर ही हूँ, मेरा खाना वगैरह बाहर आ जाता है और मुझे कमरे से बाहर नहीं जाना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के अंदर भी, जैसे मैं कोविड-19 पॉजिटिव था और अब कोविड-19 नेगेटिव हो गया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, जिसे हम सभी को समझना है कि इससे खतरा मुझे नहीं है और जो युवा पीढ़ी है उसे नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश के, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। उनमें उनकी डेथ हो सकती है, उनपे संक्रामक रोग का कुछ खराब असर दिख सकता है। अदरवाइज जो भी युवा पीढ़ी है उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्वस्थ हो गया आ चुका हूँ। दर्शन जी, जैसे आप कोरोना से भी डरे हुए हैं, तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था तो जब परिवार को पता लगा कि आप पॉजिटिव टेस्ट हाँ आया है?
तो उसका फैमिली का कैसे रिएक्शन था, वहां से सपोर्ट कैसे थी फैमिली की? तो एक्चुअली ऐसा था कि सिंस मैं अपने परिवार में इकलौता हूँ, तो जब न्यूज आई तो मैंने अपने परिवार वालों को बचाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड भी हैं और आना आवाजाही का सारा माध्यम बंद हो गया था, तो वो अस्पताल भी नहीं आ सकते, वैसे भी किसी को मिलना अलाउड नहीं था। तो मैं अपने परिवार वालों को एक्चुअली बताना ही नहीं चाहता था कि ये हुआ है। मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये नॉर्मल सी बीमारी है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मीडिया के माध्यम से उनको पता पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो बहुत ज्यादा पैनिक में एक्चुअली वहां आ गए, क्योंकि वो उदयपुर राजस्थान में रहते हैं इतना दूर, और वो आ भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह से मैंने उनसे वीडियो कॉल कर करके डेली बेसिस पे मैं उनको बताते रहता था कि एकदम मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे परिवार में मेरे चाचा हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, तो वो भी मुझसे समय समय पर एक वीडियो कॉल के थ्रू ब्यौरा लेते रहते थे और मुझे सावधानी के रूप में बताते रहते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। दर्शन, इसमें जैसे हम जानते हैं कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करती है इन चीजों में, तो जी उसमें आपके साथ जैसे हम करते हैं पर्सनल हाइजीन में, क्या क्या ध्यान रखा आपने, क्या क्या सावधानी रखी? तो हम जानते हैं कि आप जी बताया था कि लोगों को पता लगे कि ये रखें और उससे बच पाए। पर्सनल हाइजीन आपको बहुत ज्यादा इस चीज में सावधानी बरतनी है। आपको समय समय पर, जैसा कि दिशा निर्देश मिल रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा भी, आपको अपना हाथ वगैरह साफ करना है, साबुन से साफ रखना है। कोशिश करनी है कि हाथ को अपने आंखों के, नाक के, मुंह के पास जितना हो सके ना ले जाएं। खाना खाने के पहले स्पेशली आप अपने हाथ को अच्छे से साफ करें, जिससे कोरोना वायरस मर जाए और कहीं पर भी अगर संक्रमण का खतरा हो तो वो फैले ना, ये सबसे जरूरी बात है। दर्शन जी, इस बीमारी से लड़ने के लिए मेंटल टफनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, जी तो जी वो अपने आप को अपन कैसे स्ट्रांग बनाया है, और इस टफ अपने मानसिक रूप से कैसे तैयार किया था आपने अपने आप को? एक तो मानसिक रूप से मैं तैयार था कि मैंने कोरोना के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, ये वायरस होता क्या है, कैसे दूसरी जगह में इम्पैक्ट कर रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, व्यूज, जो साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने काफी यूट्यूब के माध्यम से समझ ली थी। और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था कि युवा पीढ़ी को ये वायरस ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से मैं मेंटली स्ट्रांग, अच्छा, खुश था। एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि अस्पताल में जब 10 से 15 दिन आपको आइसोलेशन में बिताने होते हैं तो आप क्या करें, एक वो बड़ी समस्या जैसी हो जाती है, और आपको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं कि जैसे मेरा एक टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया था और उसके बाद 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे, तो थोड़ा मुझे लगा था कि अरे मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो इस मामले में जैसे मैं ये करता था कि हम सभी को समझना चाहिए, जो घर पर भी हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको एक छुट्टी और दिन मिले हैं कई सालों बाद शायद, तो आप इसका समय का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग कीजिए। अपने माइंड को कोरोना से हटा के अपनी जो पुरानी चीजें बची हुई है, जैसे आप गार्डनिंग करना चाहते थे, या कुछ लोग फोटोग्राफी सीखना चाहते थे, या पेंटिंग या स्केचिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम में अपने समय को लगाइए। इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए कि ये कोरोना हो रहा है, ये फैल रहा है। आपको जरूरी बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, अवगत रहने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। इस समय का एक तरह सही तरह से सदुपयोग करेंगे तो आपकी विल पावर अपने आप बढ़ जाएगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं भी अस्पताल में बैठ के डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, मैं यूट्यूब में ज्ञानवर्धक वीडियोस देखता था, कोरोना के बारे में सीखता था, ये सब चीजें करता था वहां पर। दर्शन जी, जैसे हम देख रहे हैं कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि अगर उनको है भी तो डरते हैं लोग सामने आने से, कि बिल्कुल। उनको पॉजिटिव टेस्ट नहीं करवाते, हॉस्पिटल जाते नहीं है, तो उनको हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आपको तो सबसे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी भी तरीके से आपको COVID-19 हो गया है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप पार नहीं पाया जा सकता। कई लोग रिकवर हो रहे हैं, भारत में नहीं दूसरे देशों में भी रिकवर हो रहे हैं। दूसरा, आपको आइडेंटिटी छिपाने से मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि खतरा आपको नहीं है। आपको हो सकता है कि कोई लक्षण भी ना हो, जैसे मुझे नहीं था, लेकिन आप इस बीमारी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कर देंगे, इतनी संक्रामक है कि सभी को फैला देंगे। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत ज्यादा आहत हो सकते हैं इससे और उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कृपया करके कोई भी, मैं चाहूंगा कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, सेल्फ क्वारंटाइन में जाएं, और किसी को भी अगर कहीं से भी बाहर से आए हैं तो जरूर अपनी यात्रा का ब्यौरा सरकार को दें, अपना टेस्ट कराएं, सेल्फ क्वारंटाइन में रहें, किसी के संबंध में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और आइडेंटिटी बिल्कुल भी ना छुपाएं। इससे खतरा आपको नहीं है, समाज को आपसे खतरा है। ठीक है दर्शन जी, धन्यवाद, ठीक, थैंक यू आप सब। धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू।